हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तराखंड में एलटी का टेस्ट देना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा, कितने पार्ट में डिवाइड रहेगा पेपर और आपको तैयारी कहाँ से कैसे करनी है। तो इस बार जो है एलटी ने अपना सिलेबस भी चेंज किया है, पैटर्न भी चेंज किया है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और आगे बढ़ें। इससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, विज्ञप्ति है और विज्ञप्ति में जो लिखित परीक्षा यानी कि जो रिटन टेस्ट होता है, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट ही आपका पेपर होता है। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेपर है वो आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है, 100 नंबर का होगा। टोटल सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब 100 नंबर होंगे और 120 मिनट होंगे, जिसमें आपको दो पार्ट रहेंगे, दो भाग रहेंगे। पहला भाग आपको रहेगा, पहले भाग में आपको शैक्षिक अभिवृद्धि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, दूसरा तर्कशक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, एंड तीसरा होगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में बेसिकली ये उत्तराखंड का जनरल नॉलेज मतलब पूछा जाता है इसमें, और कुछ जीके भी रहेगा नॉर्मल सा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे उत्तराखंड की जीके पूछी जाती है। और ये रहेगा 50 नंबर, मतलब जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें 50% आपका जनरल पेपर होगा, एंड 50% जो दूसरा भाग रहेगा वो जिस भी पोस्ट के लिए आपने वैकेंसी में अप्लाई किया है, मान लीजिए आपने हिंदी किया, इंग्लिश किया, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको उसमें से 50 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो 50 नंबर है ना, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो भाई, सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदी की बात करेंगे विशेष आज की वीडियो में। तो उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा रहता है कि जो भी आप पेपर देते हैं तो उसमें जो बुकलेट रहता है वो आपके घर के लिए दिया जाता है, साथ में जो आप टिक करते हैं ना उसकी कार्बन कॉपी भी आपको मिल जाती है, मतलब जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया तो एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी ओएमआर शीट है उसकी डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है, मतलब जो कार्बन कॉपी है वो आपको मिल जाती है, तो आप उसे मतलब अपने आंसर भी मैच कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ये भी डाउट रहता है कि भाई माइनस मार्किंग रहेगी कि नहीं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका गलत उत्तर रहता है तो इसके लिए आपको 1/4 ऋणात्मक अंक काटे जाएंगे, मतलब अगर आपके 4 गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 1/4 के हिसाब से आपके मार्क्स काटे जाएंगे। कई बार हमने एग्ज़ाम में देखा कि बच्चे क्या करते हैं, वो वाइटनर लगा देते हैं किसी में भी, तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि भाई वाइटनर नहीं लगाना है, खुरचना, कटिंग करना, ये कुछ भी नहीं लगाना है, इसके लिए आपको माइनस मार्क आपका काट दिया जाएगा। तो 1/4 अगर आप किसी में आपने खुरचा है, फ्लोर लगाया है, तो वो आपको मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। और अगर इन केस जो है पेपर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन का भी पेपर रहता है यहाँ पर, तो ऑनलाइन में आपको क्या होगा, कंप्यूटर वगैरह पे पेपर होता है। तो दोस्तों, 50 नंबर का पेपर तो जनरल होता है सामान्य, लेकिन जो 50 नंबर का है वो रहेगा आपके लिए हिंदी, ठीक है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, फिलहाल मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी में देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो ए पार्ट रहेगा उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला से है, वर्णमाला अ से लेकर ज्ञा तक, तो यहाँ पर स्वर, व्यंजन, अयोग, वह, ये हिंदी में है, वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, पद है, वाक्य है, इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ ले जाएंगे अक्षरों के बारे में, साथ में वर्तनी, मानकीकरण, वर्तनी का और वर्तनी विश्लेषण, ये सारा रहेगा। हिंदी शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इससे आपको क्वेश्चन आएंगे। अब शब्द भेद में आपको क्या पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, कुछ शब्द रूढ़ होते हैं, कोई यौगिक होते हैं, कोई योगरूढ़ होते हैं, हालांकि इन सब की जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इन सब की वीडियो हमारे चैनल पर डाली है, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी वीडियो डालूंगा, साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर भी आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे सब्जेक्ट के हर टॉपिक ले सकते हैं। इतिहास की दृष्टि से जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शंकर शब्द होते हैं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इससे रिलेटेड आएंगे। एंड अर्थ की दृष्टि से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी के लिए एक और वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, अनेकार्थी मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए, जैसे जो कभी न मरता हो है ना, अनेकार्थी या वाक्यांश के लिए। अब यहाँ पे आपको वाक्य से पूछा जाएगा रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य से, ये भी हमारे चैनल पर वीडियो डाल दिए, आप जाकर के इसे देख सकते हैं। वाक्य शुद्धि, कोई सेंटेंस गलत दिया होगा उसे सही करना होगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, ये मुहावरे लोकोक्तियाँ थोड़ा सा डीप मतलब टफ होते हैं थोड़े से, तो इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, विराम चिन्ह में क्या आएगा,
तो हिंदी विराम चिन्ह भी पूछे जाएंगे भाई, कई तरह के विराम चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, है ना, तो इस तरह से बहुत सारे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का उद्भव मतलब कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, साथ में हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं, ठीक है, हिंदी की बोलियाँ, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि कैसे जन्म लिया और कैसे उसका विकास हुआ, देवनागरी लिपि का मनोवैज्ञानिक एवं मानकीकरण, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। अब प्रयोजन मूलक हिंदी में कार्यालय हिंदी मतलब स्वरूप और पत्राचार पत्र वगैरह से रिलेटेड होंगे। हिंदी भाषा के विविध रूप, तो हिंदी के बहुत सारे अनेक रूप होते हैं। हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकारिता, ये आपको पूछा जाएगा। एंड हिंदी भाषा कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग, तो ये हिंदी भाषा कंप्यूटिंग से आ जाइए। उसके बाद बी पार्ट में, मतलब ए पार्ट आपका पूरा ग्रामर रहेगा, बी पार्ट आपका आ जाता है लिटरेचर, है ना, लिटरेचर मतलब साहित्य जो कि बुक्स से होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर देखो काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सारी आपको इसकी प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और रचना, ये सारी आपको पूछी जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं साहित्यिक विधाएँ, जैसे सामान्य परिचय, पद साहित्य कौन से होते हैं, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य। गद्य साहित्य में पूछेंगे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्ट, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी, फीचर, ये सारे के सारे आपको मतलब पूछे जाएंगे। और ये 50 नंबर का आएगा, तो कौन सा टॉपिक आ जाए और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, ये तो पेपर पे डिपेंड करता है, बट आपको ये सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। अच्छा, काव्यांग, काव्यांग का परिचय तो भाई संस्कृत से भी आएगा, क्योंकि LT हिंदी संस्कृत के टीचर्स भी बनते हैं, मतलब जो LT हिंदी से ज्वाइन हो जाता है उसे संस्कृत भी पढ़ानी पड़ती है। तो रस से आएंगे, रसावयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, है ना, विभाव, अनुभव, संयोगात, रस निष्पत्ति, तो रस से रिलेटेड रसभेद, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीद्र, रौद्र, भयानक, ये सारे आपको रस से रिलेटेड, वात्सल्य रस वगैरह। साथ में छंद की बात करेंगे तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दो तरह के होते हैं, तो इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। अलंकार, तो अलंकार भी आपको कुछ गिने चुने अलंकार हैं इनसे भी, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूप, अतिशयोक्ति, ये सारे के सारे अलंकार आपको आएंगे। वक्रोक्ति है, विशेषोक्ति, विभावना, समासोक्ति, मतलब आपको इनकी तैयारी करनी है भाई। ऐसे भी हो सकता है कि आपको सिर्फ यमक से पूछ लिया, रूपक से पूछ लिया और समासोक्ति से पूछ लिया, है ना, तो किसी से भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन अलंकार ये सारे इन्हीं से पूछा जाएगा। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, है ना, तो अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, तो ये इनसे रिलेटेड भी, शब्द शक्ति से रिलेटेड। एंड अब आ जाता है आपका काव्य, हिंदी काव्य 1, है ना, तो ये 1-2 करके काव्य हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, काव्य, अमीर खुसरो, चंद्रदाई, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि, ये सारे आपको इसे हिंदी काव्य शास्त्र में। उसके बाद रीतिकालीन काव्य में केशव, बिहारी, भूषण, घनानंद, इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। हिंदी काव्य 2 में आधुनिक काव्य हो गए, भारतेंदु का छायावाद, भारतेंदु हरिऊ, मैथिली गुप्त, श्रीधर पाठक, ये सारे के सारे राइटर आपको पढ़ने समझने, और इनके ऊपर भी कहीं से सवाल बन जाते हैं। छायावादोत्तर काव्य, तो छायावादोत्तर काव्य में भी यहाँ पे काफ़ी सारे राइटर हैं, इन राइटर के बारे में आप जो है वो नॉलेज रखें अपने पास। उसके बाद हिंदी गद्य, अब गद्य से भी आपको पूछे जाएंगे, तो गद्य में यहाँ पर कुछ चैप्टर्स है, जैसे चक्रधर शर्मा, गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर, ये सारे क्या है, ये राइटर हैं, तो इन राइटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। नाट्य साहित्य, तो नाटक में भी आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ, ये सारे के सारे आपको नाट्य शास्त्र में इतने सारे टॉपिक हैं, ठीक है। उसके बाद हम कथेतर, तो कथेतर क्या होता है, चक्रधर शर्मा गुलेरी का, बालकृष्ण भट्ट है, रामचंद्र शुक्ल, ये सारे के सारे जो आपके ये टॉपिक्स हैं, आपको इनमें से कोई भी पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी और भी टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे आप पूरे टॉपिक देख सकते हैं, जनपदीय भाषा साहित्य, उत्तराखंड की भाषाएं कौन कौन सी, लोक साहित्य का परिचय, है ना, तोता कृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, ये सारे जो हैं आपको जनपद के ही साहित्य, मतलब उत्तराखंड के ही ये राइटर हैं, उत्तराखंड की किताबें, तो उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपको तैयारी करनी है पूरी अच्छे से, और पहले पेपर में 50 में से 45 प्लस लाना आसान रहेगा, लेकिन जो दूसरा पेपर है वो आपका टफ बनेगा, तो यहाँ पर भी आपको 50 में से कितने मिल सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।